हरे कृष्णा राधे राधे। सभी ठाकुर भक्तों को मैं प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम लोग लड्डू गोपाल जी की ये पोशाक बनाना देखेंगे। इसके अंदर हमने ना तो क्रोशिया किया है ना तो नीटिंग की है, और बहुत ही सुंदर पोशाक जो है हमारी बन के तैयार है। आप देख सकते हैं फिनिशिंग भी काफ़ी इसकी अच्छी है ये, और लुक में भी बहुत अच्छी है। एंड आई होप कि लड्डू गोपाल जी को पहनाने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि इस ड्रेस को जो है हम कैसे बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने जो है यहाँ पे कॉटन का अस्तर लिया है, बिकॉज अस्तर ही थोड़ा अच्छा होता है जो सिलाई वगैरह में अच्छे से आता है। बाकी आप कोई भी गर्म कपड़ा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डबल अस्तर लिया है, जिसको मैंने एकदम कच्ची सिलाई लगाई है नॉर्मली, और इसको मैंने क्या किया है कि इसको मुझे सीधा करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरी यहाँ से सिलाई लगा दी दोनों को। इसको मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में बताया कि इसको हमें कैसे करना है, कैसे सिलना है, सब कुछ हमने पिछली वीडियो में देखा है। तो आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। इसको हम अभी सीधा कर देंगे जिससे कि सिलाइयाँ पूरी अंदर साइड में चली जाएगी। तो तैयार घेरा जो है मेरा आया है 9 इंच का, बिकॉज़ मेरे इसके साइड में फूल आएंगे तो फूलों से एक एक इंच बढ़ जाएगा। तो नॉर्मली 11 इंच की डायमीटर में बनेगी ड्रेस। अभी हमें इसके ऊपर ये चोटियाँ बना के इसे लगाना है। आप चाहे तो चिपका भी सकते हैं, पर क्रोशिया या फिर ये उलन में जो है हम सिल के ही अच्छा वर्क लगता है ज़्यादा। तो इस चोटी को हमें इस प्रकार से मैनेज करके सुई और धागे की हेल्प से अस्तर के साथ में अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए सबसे पहले तो 12 इंच मैंने आपको दिखाने के लिए लिया है। आप ऐसे 5 धागे ले लीजिएगा, क्योंकि हमें चोटी थोड़ी सी मोटी बनानी है, इस वजह से थोड़ी सी फैल जाएगी अगर थोड़ी सी ज़्यादा धागे लेंगे। तो यहाँ पे 5 धागों की मैंने लिया है एक धागा, और ऐसे हमें 3 बना लेनी है 5-5 के, यानी कि हम टोटल 15 धागे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको जो है हम धागा लपेट देंगे ऊपर साइड में और नॉट लगा देंगे, गांठ मार देंगे। इसके बाद में एक पिन के साथ इसको सिक्योर कर देंगे और तीनों की मतलब चोटी बना लेंगे। बहुत ही आसान काम है, आप चोटी बनाते वक्त किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। ऐसे हमें अंदाजन बना लेनी है चोटियाँ 2-4 बड़ी बड़ी। मैंने थोड़ी सी लंबी कुछ बनाई थी, ये थोड़ी सी आपको शॉर्ट दिखा रहा हूँ, आप नॉर्मली लंबी ही बनाइए। इसको लास्ट में भी मैंने कट कर दिया, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी चोटी छोटी सी बन के तैयार है, ये मेरी ऊपर साइड में आ जाएगी। इसके बाद में इसको जो है हमें ऊपर साइड से मोड़ना है ताकि हमारा फिनिशिंग में अच्छा है, और इसको जो है साइड में रखना है। तो कॉटन का अस्तर थोड़ा सा आगे साइड से छोड़ देंगे जिसमें हमारी चोली अटैच होगी। तो यहाँ पे जो है हम सिलना शुरू कर देंगे। अच्छे से स्टार्टिंग में 2-3 टाँके लगा दीजिए जिससे कि ये अच्छे से सिक्योर हो जाए। तो ये हम बैक स्टिच ले रहे हैं, यानी कि अभी हमने सिला तो इसको हम एक छोटा टाँका पीछे से दे देंगे, और फिर से जो है आगे से शुरुआत करते हुए हम यहाँ से आगे से डालेंगे सुई को, और फिर से जो है पीछे साइड में ले जाएंगे, यानी कि इस प्रकार से पीछे साइड में ले जाने से ये बहुत ही अच्छा सिक्योर होता है और धागा जो है इकट्ठा नहीं होता। तो ऐसा ही करके हम पूरा जो है वो राउंड में सिल देंगे, इसको राउंड बना देंगे पूरा। और ये मुड़ता भी बहुत अच्छा है, जैसे कि जिनको क्रोशिया नहीं आता है वो लोग काफ़ी आसानी से इसको बना सकते हैं। पूरा मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अभी इसी प्रकार से मैं सेकंड भी आपको अटैच करना बताऊंगा। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, आगे से आपको ऐसे ही अटैच करने हैं। ये देख लीजिए, सबसे पहले तो हम इसको मोड़ के ऐसे पीछे साइड में डाल देंगे, और सुई और धागा लेके फिर से इसको एक दूसरे के साथ में हमें करना है, यानी कि हमने जो पहले अटैच किया उसको दूसरे के साथ में सिलते हुए हमें आगे जाना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, पहले तो हमें ये सिक्योर कर लेना है सबसे पहले, तो उसके बाद में जो हमने दूसरा वाला डाला है चोटी उसके ऊपर हम सिलाई अंदर साइड में डाल देंगे इस प्रकार से, और बाहर साइड में जो है पहले वाले में से निकालेंगे इस प्रकार से, देख सकते हैं आप। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर से हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले के अंदर से, मतलब कि हम दूसरी जो चोटी अटैच कर रहे हैं उसके अंदर से धागा डालेंगे, सुई और धागा, और फिर से पहले वाले के अंदर से निकाल देंगे, और जो हमें प्रोसेस कर रहे हैं उसको थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा सिलते जाएंगे, जिससे क्या होगा कि ये तुरपाई जैसे सिलेगा, ठीक है।
तो इसको फिर से हम पहले वालों में से निकाल देंगे, मतलब पहले वाले जो हमने चोटी लगाई उसके अंदर से निकाल देंगे, और फिर दूसरे वाले में हमें फिर से डाल देना है। और ऐसे करते ही हमें सभी चोटियाँ लगानी है, जिससे क्या होगा कि इसमें हम बना रहे तो मतलब ही क्या है कि इसमें अगर गैप रह जाए या फिर खुला रह जाए तो प्रॉपर मतलब कि गर्म रहेगी पोशाक ऐसे बनाने में। और इस प्रकार से हम पूरा इसके ऊपर अटैच कर देंगे। लास्ट में मैं ये भी बता दूंगा कि अगर आपको थ्रेड चेंज करना हो तो कैसे करना है। लास्ट में देखिए यहाँ पे चोटी के ऊपर मैं सिंपल तरीके से धागा लपेट रहा हूँ। धागा लपेट के जो है साइड में यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कट कर देंगे, जितना आपको चाहिए उतना रखिए, बाकी का कट कर दीजिए। और यहाँ पे जो है नॉट मार के फिर से इसको मोड़ के जैसे हमने शुरुआत में किया वैसे ही लास्ट में करके सिलाई लगा देंगे। इसी प्रकार से हमें पूरा इसके ऊपर लगा लेना है, थोड़ा सा गैप छोड़ दीजिए जिसके ऊपर हम फूल लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा अंदर साइड वाला गोल जो है परफेक्ट आया है, बाकी ये ऊपर नीचे होता रहता है, कपड़ा सिलाई में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। फिर हमें ऐसे बड़े बड़े फूल बना के इसके ऊपर लगाने हैं। फूल हमने पिछली वीडियो में भी देखे हैं बनाना। सबसे पहले तो एक धागा कट कर लीजिए वाइटनर से थोड़ा सा बड़ा, और यहाँ पे जो वाइटनर या फिर मैं यहाँ पे हाइलाइटर ले रहा हूँ, कोई भी मोटी मार्कर भी आप ले सकते हैं। इसके ऊपर आपको 60 बार लपेटना है धागे को, क्योंकि फूल हमारा थोड़ा बड़ा है तो हमें इसको थोड़ा सा ज़्यादा लपेटना है। 60 बार मैं गिन रहा हूँ, और उसको लपेट के जो है निकाल के गांठ मार देंगे तो थोड़ा सा बड़ा फूल बन के तैयार होगा। इसके बाद में एक छोटा फूल बनाएंगे जो कि इसके ऊपर इस तरीके से आएगा। इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने छोटी पेन ली है। इसके लिए भी सेम प्रोसेस है, एक धागा कट करके हम लोग जो है इसके ऊपर 30 बार लपेटेंगे और ये फूल बन के तैयार हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि थोड़े से मोती ले लेने हैं बड़े साइज़ के, जो आपकी मोटी सुई में से अच्छे से आ जाए। उसके बाद में ये फूल ऐसे रख के इसके ऊपर दूसरा फूल रखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे अभी कपड़ा जो है थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है मैं मानता हूँ, पर आपको जो है ये फूल लगाते वक्त लेवल ही में ही लगाने हैं, लेवल में ही लगाने हैं। तो सबसे पहले तो पीला फूल रख दिया, और पीछे साइड से कपड़े के साथ में मैंने सुई घुसा दी, और बाद में जो है इसके अंदर इसके ऊपर एक जो पर्पल वाला फूल है वो भी रख देंगे, ठीक है। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे मोती, और मोती डाल के जो है फिर से हमें रिवर्स में लेके जाना है, ठीक है। अभी हम आगे का प्रोसेस ये करेंगे कि ये फूल का क्या होता है ना कि बड़े फूल है तो एक टाके से जो है वो मतलब कि हिलते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे हम लोग दोनों फूल को बीच में से ऐसे मतलब कि सील देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने किस प्रकार से पीछे से सिलाई ली, और यहाँ पे जो है दूसरा फूल भी यहाँ पे अटैच कर दिया इस तरीके से। तो एक फूल के अंदर हमारी दो स्टिचें ऐसे आएंगी। फिर हम पीछे से एक फूल ले लेंगे छोटा वाला, और इसके ऊपर रख के हम लोग इस तरीके से पीछे से सुई डाल देंगे, और फिर मोती डाल के फिर से हमें जो है कंटिन्यू जैसे हमने शुरू में किया वैसे ही करना है। तो एक छोटा साइज वाला मोती डाल देंगे, और फिर से पीछे साइड में लेके जाके हमें इसको टक करना है जैसे ये मोती से नॉट बनती है। और पूरे फ्लावर्स हमें इसी प्रकार से जो है वो करने हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक एक फ्लावर को मैं दूसरे फ्लावर के साथ में पहले तो दोनों को अटैच कर रहा हूँ एक साथ में, और फिर उसके बाद में छोटा वाला फूल अटैच करके फिर उसके अंदर मोती डाल रहा हूँ। पूरा प्रोसेस हमें ऐसे ही करना है। और जो हमारा कपड़ा थोड़ा सा कई जगह पे छोटा कई जगह पे बड़ा पड़ रहा है तो वहाँ पे भी फूल जो है हमें लेवल करके ही लगाने हैं, यानी कि एक लेवल पे ही हमें ये पूरे फूल लगाने हैं, ठीक है। तो पूरा ऐसे ही लगाएंगे हम लोग। तो देखिए लास्ट का फूल भी मेरा लग गया, और यहाँ पर मैं पीछे साइड में नॉट मार दूंगा, गांठ मार दूंगा, और देखिए ये मेरा कितना बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो गया है। कलर्स तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं रिकमेंड करूंगा यही कलर्स इस्तेमाल करें अगर आप बना रहे हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे अभी हम चोली अटैच करके ड्रेस को फिनिश कर देते हैं। एक पार्ट मैंने बना लिया है, दूसरा पार्ट हमें बनाना है। तो यहाँ पर मैंने दो चोटियाँ पहले से बना के रखी हुई, एक मैं आपको बना के बताऊँगा। 7 इंच के लगभग मैंने कुछ लिया है, और यहाँ पे हम 4 धागे लेंगे। पहले हमने 5 धागे लिए थे, वो टोटल 15 हुए थे, अब हम 4 लेंगे तो टोटल 12 होंगे। तो ये ऐसे 4 धागे लेके ऐसे और जो है हमें 2 ले लेने हैं,
और फिर उनको जो है हमें जो है चोटी गुथनी है इनकी भी फिर से। तो फिर से सेम प्रोसेस हम पूरा करेंगे और इसकी चोटी बना लेंगे। तो ये हमारी थोड़ी सी छोटी छोटी बनती है और चोली के लिए थोड़ा सा पतला ही हो तो अच्छा लगता है। फिर हम इन तीनों को जोड़ देंगे। जोड़ने का प्रोसेस सेम है, दोनों को एक दूसरे के साथ में पकड़ के इस तरीके से इसके अंदर ऊलन का धागा डाल देंगे। तो इसी प्रकार से हमें पूरा जो है वो सिलते जाना है। तो आप देख सकते हैं हम पूरा इसको ऐसे ही करते जाएंगे, दोनों को एक दूसरे के साथ में ऐसे सिलते जाएंगे। ये सिलने के बाद मैं पीला भी अटैच कर दूंगा दोस्तों पूरा, और पीला अटैच करने के बाद धागा कट नहीं करूंगा, इसी धागे के साथ में जो है मैं चोली को अटैच करना अभी शुरू कर दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैंने धागा तो कट नहीं किया है, अभी यही सेम धागा रख के मैं क्या करूँगा, इसको पहले तो ऐसे रखूँगा। तो ध्यान रखना है आपको कि आपको आपकी बाजू कैसी रखनी है वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे शुरू में तो नीचे साइड में डाल रहे हैं, फिर हम यहाँ पे एक नॉट लगा लेंगे अच्छे से। फिर से मैं यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे कुछ भी मतलब अच्छे से टाके लगा देना तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेन पार्ट होता है। क्योंकि ये चोली के साइड में अगर आप अच्छे से नहीं सिलोगे तो चांसेस होते हैं कि आपकी चोली जो है बाद में उखड़ जाए। तो फिर आपको ध्यान रखना है कि चोली जो है आपकी अच्छे से अटैच हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पार्ट तो मेरा अटैच हो गया, दूसरा मैं इसके साथ में ऐसे रख के ये भी अटैच कर लूँगा, और दोनों बाजुएँ हमें इसी प्रकार से रख के जो है वो अटैच करनी है। तो एक बाजू तो मेरी हो गई, दूसरी भी मैं अटैच कर दूँगा। और देखिए ये अटैच होने के बाद में मैंने बीच में चोली के दोनों चोलियों के बीच में भी थोड़ा सा सिला है। ठीक है, तो ये मेरी ड्रेस पूरी बन के तैयार है। विंटर्स में आप इसको बहुत ही ज़्यादा आसानी से बना सकते हैं, बिना क्रोशी आप बिना नीटिंग के हमने ये बनाई है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट्स हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके रिलेटेड आपको और आइडिया चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे, हरे कृष्णा।